हेलो गाइस, आज आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में रिवाइज होते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ, अनुच्छेद नंबर एक मतलब आर्टिकल वन, जो राज्य और यूनियन टेरिटरी संबंधित है। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 राज्य स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। और अनुच्छेद 5 से 11 में क्या आते हैं, नागरिकता आती है। अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर क्या आती है, समानता। अनुच्छेद 17 मतलब आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता की अंत से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 18 ये किससे संबंधित है, उपाधियों के अंत से संबंधित है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आपको कोई भी उपाधि मिल रही है तो वो केवल एक आर्मी और से रिलेटेड जॉब्स भी उन्हीं में रहेगी, या एजुकेशन में जैसे डॉक्टर की PhD होती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 ये विचार और अभिव्यक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण दैहिक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 31 जो अब नई मतलब फंडामेंटल राइट्स में नहीं रहा, अब ये लीगल राइट 300 संपत्ति के अधिकार में आ चुका है। अनुच्छेद 32 संबंधित है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। किसने कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 39A ये निशुल्क विधिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 41 ये मनरेगा से संबंधित है। अनुच्छेद 44 ये समान सिविल संहिता, फिर है अनुच्छेद 48 ये गोवध निषेध से संबंधित है। अगला अनुच्छेद 50 ये शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 इसके अंदर शांति संबंधित है। अनुच्छेद 51 है फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं। फिर अनुच्छेद 52 एक राष्ट्रपति से संबंधित है कि अनुच्छेद 53 कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 54 चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 64 ये राज्यसभा के सभापति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 समाधान से संबंधित है, ये राष्ट्रपति समाधान देता है। 74 प्रधानमंत्री से संबंधित है। फिर आर्टिकल 76 ये अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। आर्टिकल 79 ये संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 81 ये लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 105 ये संसदीय विषय है। अनुच्छेद 108 ये संयुक्त बैठक से संबंधित है। अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक है। अनुच्छेद 112 ये बजट के अंदर जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में बताया गया, पर बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 123 ये अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है उसके बारे में बताया गया, जो एक्ट बन जाते हैं। अनुच्छेद 124 के अंदर बताया गया। अनुच्छेद 129 ये सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 143 इसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 148 ये CAG के बारे में।